गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास, बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स। देखिए, लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने x की पावर m के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना वो सीख लिया था, और उसको सीखने के बाद हम उसके ऊपर पर बेस कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मोस्ट एग्जांपल हमारा। इसमें क्या है कि डी की पावर 5 है, यानी कि 5 बार अपकलन हुआ है, तो आपको 5 मूल निकलेंगे, तो थोड़ा अच्छी से आप और समझ में आ जाएगा। और एक बात और भी है यहाँ पर कि ये जो देखिए आप ई की पावर एक्स है, साइन एक्स है और एक्स है, इस सब तरह से के आपको क्यूब एक्स दे रखे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन समीकरण निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पहले डी की पावर 5 माइनस डी, ठीक है, इक्वल टू 12 ई की पावर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस 2x। ठीक है, डी कॉमन ले लो, डी की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पर y भी आएगा। ठीक है, और 12 ई की पावर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस 2x। यहां पर सहायक समीकरण लेते हैं, तो सहायक समीकरण लेने पर क्या होगा, m m की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी m की 0 आ जाएगी, ये हो जाएगी m की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि m की पावर स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब एम स्क्वायर माइनस 1 को ओपन कर लो, एम माइनस 1 और एम प्लस 1, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सबको 0 बराबर करोगे तो एम बराबर 1, एम माइनस 1 बराबर 0, एम प्लस 1 बराबर 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एम बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस 1 और ये एम स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इस तरह की टर्म जो प्राप्त हुई। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हम आपको बताएं, तो सी एफ हो जाएगा, देखिए ये रियल वैल्यूज है और ये काल्पनिक वैल्यू है, और ये वैल्यू है एम बराबर 0। ठीक है, 5 मान है यहाँ पर, तो एम के मान है 0 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस माइनस आयोटा। तो 0 के लिए, 1 के लिए और प्लस 1 के लिए तो सेम बन जाएगा, मतलब कि सी वन ई की पावर 0x कर देता हूँ, प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर प्लस एक्स। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक वाला सी फोर सी फाइव वाला, सी फोर साइन एक्स या कोस एक्स, साइन से पहले कोस, प्लस सी फाइव साइन एक्स। ठीक है, ये एक साथ ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों इसी के लिए, राइट, तो सी वन प्लस सी टू माइनस एक्स प्लस सी थ्री की पावर एक्स प्लस सी फोर एक्स कोस एक्स प्लस सी फाइव साइन एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हम निकालते हैं पी आई, तो पी आई निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म है उसको ध्यान से देखिए, सवाल थोड़े बड़े होते हैं, इसे सवाल एक लेक्चर में एक ही हो पाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम दो करने की, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, जल्दी करने से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो ब्रेक कर दिया हमने इसको, तो क्या क्या ब्रेक है, डी डी माइनस 1 डी प्लस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रेक हुए थे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो जाए भाई, ये तो डी हो गया, यहाँ पर एम था, इसका वाला एम डी डी माइनस 1 डी प्लस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालना है हमें, इसके लिए 12 ई की पावर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस 2x। अब क्या करेंगे,
एक बार इसका अलग करना है, इसका अलग करना है और इसके लिए अलग, तो तीनों के लिए अलग ओपन कर लेंगे। 12 यहाँ आ जाएगा, d d-1 d+1 और d²+1 e^x प्लस 8 अलग d d-1 d+1 d²+1 किसके लिए, साइन एक्स के लिए, ठीक है, और माइनस 2 डी, और देखो d4+1 दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स के लिए है और एक्स के लिए आपको पता है कि फॉर्म जो है वो कॉमन आकर ही बनती है, ठीक है, इसके तो इन्वर्स जाएगा ऊपर, तो इतनी बड़ी टर्म में तो अलग तो करेंगे नहीं कि d-1 के लिए अलग एक्स का, d+1 के लिए अलग एक्स का, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है मान रख दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर तो क्या है वैल्यू रखनी है हमारे को डी की जगह पर 1, तो ये 0 बनाएगा, इसको नहीं करना कुछ भी, ठीक है, जो 0 बना रहा है उसको कुछ नहीं करना, हमको जो 0 नहीं बना रहा है उसके पास जाना है। तो ये तो हो गया 1, इसको छोड़ दो d-1 को, ये हो गया 1+1 और ये हो गया 1+1, ठीक है, ये की पावर एक्स प्लस। अब इसके पास आ जाओ तो साइनस क्या कहता है कि d² की जगह पर क्या रखना है आपको, -1 रखना है भाई, ठीक है, तो ये तो d² जगह -1 हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे नहीं रखना। अब यहाँ पर देखो आप ये भी क्या हो जाएगा, d² -1 हो जाएगा ना, तो 8 यहाँ पर, डी यहाँ पर, ये d² -1 है, तो d² -1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, -1, ठीक है, -1 हो गया और -1 इसी वाला भाई, d² -1 है, तो d² जगह पर क्या गया, -1 आ गया और बाकी -1 आ ही गया, इसी जगह पर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी रखने पर 0 बना देगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का, जो 0 बन रहा है उसको तो 0 बना देना है, और 0 नहीं बन रहा है, मैं 0 नहीं बनाना है, और 0 नहीं बन रहा है उसके बाद वैल्यू रख दो बस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए डी तो बाहर रहेगा, और डी के पास 4+1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन के लेना ऊपर ले आते हैं, ठीक है, 1- डी की पावर 4-1, -4 का मतलब क्या हुआ कि -1 ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, साथ में क्या आ गया, एक्स। अब देखिए 1+1 2 1+2 2 2 4, ठीक है, और ये जाएगा आपका d-1, राइट, और ये हो जाएगा आपका e की पावर x। अब x की पावर r वाला फॉर्म निकाल देंगे अभी, 8 आ जाएगी आप -1 -1 -2 d² -1 जगह पर क्या आएगा, -1 तो रखना नहीं है, हमें क्या करना है फिर बताइए, क्या कर सकते हैं हम, तो d² +1 को 12 को 1/4 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस, उसको कॉस लगा लो, d² + 1 को तो यहाँ रखो, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 1/4 में, तो 1/4 में हो जाएगा कॉस, देखिए जरा ध्यान से, तो कॉस 1/4 डी का मतलब साइन के साथ में क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है, और कॉस उसका हो रहा है माइनस का, ठीक है, तो प्लस 2 1/4 डी, और सब प्रसार ओपन करते हैं, तो दो बार ही क्या, एक बार ही कर लेते हैं, 1+d⁴, क्योंकि ये कितना है, एक्स है, और एक्स को अगर d⁴ से हम करेंगे अवकलन तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अभी d⁴ को हम एक्स का अवकलन करेंगे 4 बार अवकलन तो होगा ही नहीं, ये तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये कट जाएगा 12 3 जा, ठीक है, तो ये 3, और यहाँ पर देखो r का मान कितना है, 1 है, तो x की पावर r, यानी कि 1/1 factorial और e की पावर x, यहाँ पर देखो -- क्या हो गए, प्लस हो गए, 2 से 8 कैंसिल हुआ, तो कितना आया, 4 cos x / d² + 1, यहाँ पर देखो आप क्या हुआ, 2 d को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1/d, साथ में क्या आ गया, x, ठीक है, यानी कि एक बार अवकलन करना, समाकल करना है इसका, तो 3x e^x + d² + 1, यानी x/2 वाली फॉर्म बनानी है, तो x/2a, ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है, और cos क्या हो जाएगा, sin x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/d का मतलब x²/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3x e^x + 2x sin x + x²,
राइट, ये हो समीकरण नंबर दो। और व्यापक हल अब निकाल लेते हैं, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई सी वन प्लस सी टू की पावर एक्स प्लस सी थ्री की पावर माइनस एक्स प्लस सी फोर प्लस कोस एक्स प्लस सी फाइव साइन एक्स, ठीक है, प्लस थ्री एक्स की पावर एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस सी एफ पी आई दोनों आ गए, मतलब दोनों मिला दिया तो क्या आ गया, व्यापक हल आ गया, यानी कि किसका मान आ गया, ये वाई का मान, वाई के बराबर, ठीक है। वाई का मान क्यों आता है, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसलिए यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाली जाती है। डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा कभी, मतलब एक्स वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स, राइट। तो समझ में आ गया, ये सवाल था आपका नंबर थर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल और भी हैं, लेकिन सामने वाली बात है कि काफ़ी अच्छा सवाल था, जिसमें सब तरह के काम इसमें हमने कर लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और चाहें तो आपको हम क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपको लगेगा सर क्वेश्चन करा दें। तो थर्ड ई का क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं सेकेंड, ठीक है। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एट वाई बराबर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ई का सवाल है, और इसको आराम से हम करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, डी क्यू माइनस सॉरी प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस एट इंटू वाई बराबर एक्स, ठीक है। हम बनाते हैं इसका सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण क्या बनेगी, ये खाली एक्स वाला है, ठीक है। तो सहायक समीकरण क्या बनेगी भाई, एम क्यू प्लस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस एट बराबर जीरो। अब इस तरह से हम इसमें एम का मान निकालते हैं, तो एम के मान क्या आता है बताइए आप, एम बराबर हम रख के देखें वन, तो वैल्यू कुछ बनेगी नहीं, हाँ हम रखते देखते हैं माइनस वन, तो उस तक कुछ हो जाए, लेकिन माइनस वन भी हमको नहीं मिलेगा वो टर्म, कुछ और वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। यहाँ एम बराबर माइनस टू रख के देखते हैं, तो माइनस टू का क्यूब प्लस टू माइनस के टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस एट बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के एट प्लस एट माइनस एट और एट प्लस एट, ठीक है, क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और एम माइनस टू क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। मैं आपको सिखाया था कि एम माइनस टू जब यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम प्लस टू, और एम प्लस टू और एम प्लस टू आप तीन बार लिख दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब है, अगर यहाँ पर होता पावर फोर तो आप यहाँ पर क्या करते, चार बार लिख देते, ठीक है, नहीं फैक्टर उतने ही बार उसके फैक्टर लिख देते आप। तो एम क्यूब हमें चाहिए, एम स्क्वायर लगा दो तो ये एम क्यूब बन जाएगा, टू एम स्क्वायर बन गया, काम खत्म हो गया। अब हमारे पास अगला क्या है, फोर एम, फोर एम के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाऊँ मैं, एम तो है ही, मैं क्या लगा दूँ यहाँ पे, फोर लगा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाला काम नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं, तीसरा काम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फोर टू जाए एट और फोर एम काम पूरा बन रहा है, ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस फोर और एम प्लस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एम बराबर माइनस के टू और एम स्क्वायर बराबर माइनस के फोर, तो एम बराबर प्लस माइनस टू आयोटा, ठीक है। तो सी एफ क्या तैयार हो जाएगा आपके पास, सी एफ जो है वो हमारा बन जाएगा सी वन ई की पावर माइनस के टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस के फोर एक्स, सॉरी सी वन ई की पावर माइनस के टू एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री साइन टू एक्स, ठीक है।
बीटा का मान तो क्या है, टू है, बीटा बराबर टू, अल्फा का मान क्या है, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है हमारे को। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर क्लियर होती है। अब हम निकालते हैं पी आई। तो पी आई निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म है उसमें वन अपॉन एफ ओ बी का मान कितना है वो हम देख लेते हैं। तो वन अपॉन एफ बी का मान जो है, आप देखिए डी स्क्वायर प्लस फोर और डी प्लस टू है। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस सॉरी डी स्क्वायर प्लस फोर और डी प्लस टू है। लेकिन आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करके एक्स के लिए निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इस पूरी टर्म को भी ले सकते हो। यहाँ से एट का ले लो कॉमन और पूरे टर्म में निकाल दो। लेकिन उसके लिए भी आपके पास क्या होना होगा, ये टर्म अलग अलग बनेगी। अलग अलग मतलब कि तीन टर्म के अंदर फॉर्म बनेगी। और वैसे तो एक्स आ रहा है, एक बार में काम हो जाएगा, आप यहाँ पर कर सकते हो काम। ठीक है, मैं ये काम यहाँ कर देता हूँ। वन अपॉन जो इजी रखे हम वही करते हैं, डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस एट, डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस एट और इंटू में एक्स। अब मैंने एट कॉमन लिया यहाँ से, तो वन अपॉन एट हो जाएगा और वन प्लस डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन एट। ठीक है, अब एक्स ही है ना ओनली, तो ओनली एक्स है, इसका मतलब क्या है, एक बार ही प्रोसेस बनेगा। तो वन अपॉन एट यहाँ पर वन प्लस डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन एट, और यहाँ पर आ जाएगा इनवर्स और यहाँ आ जाएगा एक्स। राइट, ऐसा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वन अपॉन एट इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन एट। और आगे छोड़ देते हैं, आगे निकालने जो नहीं है। एक्स का एक का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस डी क्यूब के साथ में किसका हो जाएगा, एक्स का करोगे तो कितना होगा, तीन बार होगा तो जीरो, टू डी स्क्वायर साथ में करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और फोर डी साथ में करोगे तो ओनली वन हो जाएगा। तो खाली क्या आ जाएगा, फोर अपॉन एट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एट एक्स माइनस वन बाई टू। अगर हम एट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एट माइनस के वन अपॉन सिक्सटीन। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा हमारा पी आई, और सी एफ के नाम जोड़ देते हैं तो सी एफ प्लस पी आई क्या बन जाता है भाई, वाई। और सी एफ क्या है भाई, सी वन की पावर माइनस के टू एक्स प्लस सी थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस एक्स बाई एट माइनस के वन अपॉन सिक्सटी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से सवाल जो है आपको प्रॉपरली करने हैं, ध्यान देना है, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हम हैं। ठीक है, तो साइंस जो थर्ड थी आपकी, थर्ड है उसका स्टार्टिंग हमने कर दिया, और भी सवाल करेंगे। तो आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए। तो होमवर्क जो है आपका, आपको घर से करना है सवाल, यानी कि प्रैक्टिस। जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो है आपका वो है थर्ड ए का, सॉरी थर्ड ई का, ई ए नहीं ई है, क्वेश्चन नंबर जो है 10 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। ठीक है, दोनों आपको मेनली करने हैं सवाल। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप्स आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, धन्यवाद।